दिल्ली में पानी पर सियासत गर्म है। दिल्ली के सबसे वीआईपी माने जाने वाले एनडीएमसी इलाके में पानी को लेकर मारामारी है। कोरोना के नियम टूट रहे हैं, लेकिन नेता पानी पहुंचाने की बजाय टोपी ट्रांसफर खेल में लगे हैं। चाणक्यपुरी दिल्ली कल। इतना कोरोना, इतनी बीमारी फैली हुई है, तो आप लोग इतनी भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, डर नहीं लगता आप लोग? पानी नहीं मिलेगा तो वजह और ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। चाणक्यपुरी दिल्ली आज। आज भी यहां पर टैंकर आया, तस्वीर कुछ वैसी ही थी। लोग उसी तरह से दौड़े, अपनी जान जोखिम में डालकर टैंकर के साथ साथ दौड़ते हैं। पानी की किल्लत बता रहे हैं कि वहां पानी नहीं पहुंच रहा। वो एनडीएमसी का एरिया, यानी कि दिल्ली के बीचों बीच न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन श्री राघव चड्डा हर बार की तरह टोपी ट्रांसफर करने में एक्सपर्ट है, और इस बार भी उसी तरह से अपनी जिम्मेवारियों को दूसरों पर डालने में लगे हुए हैं। बुद्ध विहार दिल्ली आज। तक कितने कितने महीने हो? 3 महीने हो गए। मोतिया खान दिल्ली कल। ये लोग ऐसे तरस रहे हैं पानी के लिए कि एक एक बूंद खाना पकाने के लिए पानी नहीं है, ये सच्चाई है। राजीव नगर दिल्ली आज। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ये कोरोना खत्म करने की तरकीब केजरीवाल जी ने भेज रखी है, टैंकर के माध्यम से कोरोना खत्म कर रहे हैं वो। मदन गीर दिल्ली आज। बिल्डों पर छान हो रहे हैं, हम तो गिलास पानी ये भी उठा सकते हैं घर से भी, चाहे वहाँ बैठ के बना के पीती, मैं तो भैया खड़ी नहीं रोक सकती, कहाँ से पानी लाओगे। पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं दिल्ली वासी, और एबीपी न्यूज ने आपको कल पौश इलाके चाणक्यपुरी में विवेकानंद कैंप और संजय कैंप का हाल दिखाया था, जहां टैंकर पहुंचने पर लोग कोविड नियमों को अनदेखा कर बूंद बूंद लूटने के लिए मजबूर दिखे। और कल नेताओं के सियासी बयान के बाद आज भी इन इलाकों में पहुंचे हमारे कैमरे में जस की तस तस्वीरें कैद हुई। वही टैंकर, वही मारामारी, वही मजबूरी, और कोरोना काल में भीड़ भरा वही बड़ा खतरा। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के संजय कैंप में हम हैं, यहाँ की भी तस्वीर जो है आपको दिखाते हैं। कल हम यहाँ पर पहुंचे थे, और इसी तरह से टैंकर जो है जब वो आया था तो हलचल एकदम से बढ़ जाती है, लोग आना शुरू हो जाते हैं। सुबह से कह रही हैं आप खाना आना कुछ नहीं बनाए, नहीं बनाए हैं खाना वाना, कुछ नहीं बनाए हैं, अब पानी भरेंगे फिर जाकर धरेंगे, जब तक ये खाना बनाएंगे। राजधानी दिल्ली 3 नगरपालिकाओं में बंटी है, और जब इलाके को लेकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की बात आई तो हम पहुंच गए उन इलाकों में जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध विहार में लोगों का आरोप है कि पानी की लाइन होने के बावजूद पिछले 3 महीने से पानी नहीं आ रहा। राजीव नगर में भी पानी की किल्लत से जूझते दिखे लोग। मदनगीर और पहाड़गंज के मोतिया खान में भी हाल वही। शाहबाद डेयरी का ये इलाका किस तरीके से पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पानी का टैंकर जब आता है तो कुछ इस तरीके से भीड़ जुट जाती है, पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, कई कई दिन तक पानी नहीं आता। क्या करें सर, पानी नहीं पिएंगे क्या, मरना है क्या मुझे, पानी तो पीना ही है ना। जब वोटिंग पड़ता है तब आता हाथ जोड़ता है, भाई पानी दूंगा पानी दूंगा, वोट ले लेता है पानी नहीं देता। केजरीवाल सरकार ने वोट के लिए पानी का वादा तो किया, लेकिन आज अपनी उसी दिल्ली के कुछ निवासियों की प्यास को वो केंद्र की जिम्मेदारी बताते हैं। मैं संबित पात्रा जी को और बीजेपी को कहना चाहूँगा, आरोप लगाने से पहले थोड़े फैक्ट्स चेक कर लीजिए, अपना होमवर्क कर लीजिए। दिल्ली के जिस इलाके में वो पानी की किल्लत बता रहे हैं कि वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, वो एनडीएमसी का एरिया है, यानी कि दिल्ली के बीचों बीच न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, दिल्ली जल बोर्ड के अंडर नहीं आता है। लेकिन दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले इन इलाकों बुद्ध विहार, राजीव नगर, मदनगीर और मोतिया खान की ये तस्वीरें जो एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई, उनका क्या, इसके जवाब में क्या कहेगी दिल्ली सरकार? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।